क्वेश्चन नंबर वन आपके देर का है। तीन पार्टनर है, अपना, मनीषा और सोनिया, और 3-2-1 में लाभ हानि बांटते हुए पार्टनर है। रिटायर कौन हो रहा है? एम रिटायर, मनीषा रिटायर हो रही है। और रिटायर के टाइम जो फर्म की जो गुडविल थी वो थी 1,80,000 रुपए। और नया अनुपात भी दे रखा है, ये फर्म के टाइम गुडविल का वापस मूल्यांकन किया गया ना, इसलिए जितना गुडविल का हिस्सा बनता है मनीषा का वो दोनों अपना और सोनिया के अकाउंट से जाएगा। और वो भी आपके क्या हो जाएगा, इन दोनों अकाउंट को आपको जो ज्यादा फायदा है उसको, फायदे को देखना है आप। फायदा पहले आपको निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ तो आ रहे हैं, तीनों की जोड़ कितनी हो रही है? 3-3 और यहाँ पर हो रहा है 5। मतलब दोनों गुणा करेंगे तो ऐसा नंबर जो 6 से भी कट जाए 5 से भी कट जाए 30 ऐसा लेंगे। तो हम क्या करते हैं, माना हमारे व्यापार का जो लाभ है वो है 30 रुपये, ऐसे मान लेते हैं। तो पहले पार्टनर कौन थे? अपर्णा, मनीषा और सोनिया। और हमारे व्यापार का पुराना रेशो जो है वो कितना था? 3-2-1। वैसे नया ज्यादा होता है, वैसे नया पहले ले लेते हैं, न्यू प्रॉफिट रेशो लेते हैं। तो नया कितना है? 3-2 का। 5 का भाग 30 में जाता है आपके 6 बार। 6 × 3 = 18 और 6 × 2 = 12। और अगर हम ओल्ड प्रॉफिट रेशो लें तो वो है आपके 3-2-1 का। यहाँ पर अगर हम देखो इसका 6 का भाग है कितना, मतलब 5 बार, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 5 घटाओ तो कितना आता है? 2:3 3:2 है इनका त्याग का अनुपात, ये है इनका त्याग, सैक्रिफाइस हो जाएगा। कितना हो जाएगा भी आपके त्याग का अनुपात? ये हो जाएगा अपर्णा और सोनिया का, ये दे रखा है। हाँ लेकिन त्याग किसने किया? ये 12 यहाँ आएगा क्योंकि ये जा रहा है, ये वाला जा रहा है, इसीलिए तो यहाँ पर आएगा क्योंकि मनीषा जा रही है ना, ये वाली मनीषा जा रही है, इसलिए इसका हिस्सा ये कटेगा और उसको मिलेगा, सोनिया को मिल जाएगा। तो सोनिया को पहले कितने मिल रहे थे? पहले कितने मिल रहे थे? 5। अब कितने मिल रहे हैं? 10-12 मिल रहे हैं, मतलब इसको 7 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं और इसको 3 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। इसके तो 10 रुपये, इस 10 रुपये के दो भाग हो गए, 10 में से 3 ये ले जा रहा है और 7 ये ले जा रहा है, तो उसका भी हिसाब आपको देखना है कैसे करना है। तो जा कौन रहा है इसका भी आपको ध्यान रखना, अनुपात क्या हो जाएगा? 3:7 हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना, गुडविल कितनी बताओ? गुडविल है फर्म की कितनी रखी है? 1,80,000। इसमें हिस्सा कितना बन रहा है इसका? एम का हिस्सा कितना है? 2/6। तो एम का जो हिस्सा है वो है 1,80,000 में। अब जा ये रहा है मनीषा, तो 2/6 ये कर देंगे हम यहाँ पर, 2/6 कितना होता है? 3 बार इसमें भाग गया 3 × 18, तो ये कितना आया भाई आपके? 60 का। अब देखो इन दोनों करेंगे डी आर, जिसको मिल रहा फायदा उसको करेंगे डी आर। ये आ जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डी आर, एस कैपिटल अकाउंट डी आर, टू क्या नाम है, एम्स कैपिटल। इसमें होता क्या है कि जो एम का हिस्सा है ना वो ए और एस ले रहे हैं, मतलब उसका लाभ वो ले रहे हैं, लाभ लेने के लिए कुछ त्याग करना पड़ेगा। तो त्याग क्या करते हैं, उसको एम जब जा रहा है तो एम को देते हैं 60,000 रुपये गुडविल के, और 60,000 रुपये कैसे भरेंगे वो इस रेशो में, 3:7 में। तो 60,000 है, इस 60,000 के अंदर हमें क्या करना है, 10 का भाग देंगे। इसका भाग देंगे हम 10 का भाग, कितना 6 बार जाएगा, 6 × 3 = 18 और 6 × 7 तो कितना हो जाएगा आपके 42,000। देखो पहले जो एम को 10 रुपये मिल रहे थे वो 10 रुपये नहीं मिलेंगे, उसका 10 रुपये 3 रुपये तो ले गया कौन, ए, और 7 रुपये कौन ले गया, एस ले गया। तो ये दोनों पैसा ले जाते हैं ना,
मतलब इनका इसका लाभ जब भी अगले साल लाभ होगा उसका जो हिस्सा बन रहा था थोड़ा ये ले जाएगा थोड़ा ये ले जाएगा, अब एस को नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा एस को, तो एस को क्या करते हैं गुडविल का पैसा देते हैं। कौन देता है? ए और एस, जितना उसका हिस्सा लेते हैं उतना देते हैं। तो एम को पैसा देंगे 60,000 रुपये, कौन देगा? ए भी देगा और एस भी देगा। किस रेशो में देगा? जिस रेशो में उसका हमने लाभ लिया है, हमने लाभ 3-7 में लिया है, तो गुडविल का पैसा भी हम 3-7 में देंगे। एक बार देना, हर बार नहीं देना है, केवल जब वो जा रहा है तब आपको एक बार पैसा देना है गुडविल का, एम को पैसा देना। क्वेश्चन नंबर 2 देर का है, 3 पार्ट में संगीता, सरोज और शांति, तीनों का अनुपात देर का है 2-3-5 का, टोटल कितना हो रहा है पर आपके 10 रुपए कमाते थे तो 2-3-5 रुपए में बांट देते। अब पुस्तकों में गुडविल मतलब होता है, बैलेंस शीट के अंदर गुडविल जो है वो कितना देर का आपके 60,000 रुपए देर का, तो जो पुरानी गुडविल है वो तीनों बांटने में बांट देंगे। अब जब संगीता का सेवानिवृत्ति हुई, रिटायरमेंट हुआ, उस टाइम वापस से गुडविल का क्या हुआ भाई, मूल्यांकन हुआ, तो वो हुआ भाई आपके 90,000 रुपये। ये है जब वो सेवानिवृत्ति हो रही है, रिटायरमेंट के टाइम ये गुडविल है, और ये बटेगी केवल फायदे के अनुपात में। और हमारा नया अनुपात देर का 1:1, अगर यहाँ पर ध्यान दें तो ये 10 है और ये कितना है आपके 2 है। ऐसा कौन सा नंबर जो 2 से भी कट जाएगा 10 से भी कट जाएगा? 10 ही मान लो, नया ले ही। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखो जा कौन रहा है, सरोज जा, क्या नाम, संगीता जा रही है, ये वाला व्यापार जा रही है, तो पीछे कौन बची है, तो सरोज और शांति। पहले हम लेते हैं न्यू प्रॉफिट रेशो, देखो भाई टोटल लाभ है 10 रुपये, क्योंकि ऐसा वैल्यू लेना है जो 2 से भी कट जाए 10 से भी कट जाए, तो 10 ही है। तो देखो 10 को हम क्या करेंगे, पहले बराबर बराबर बांटेंगे, नया अनुपात कितना है बराबर बराबर है, तो कितना हो जाएगा, ये तो जा रही है इसको तो मिलेगा नहीं, तो किसको मिलेगा, 5 रुपये इसको मिलेंगे और 5 रुपये इसको मिलेंगे। और ओल्ड प्रॉफिट रेशो की अगर बात करें तो वो दे रखा है आपके कितना 2-3-5 का, 10 को ऐसे बांटेंगे कितना रुपये आएगा, 2 रुपये, 3 रुपये और 5 रुपये। अगर यहाँ पर ध्यान दें तो ये दो के माइनस 2 घटाएंगे तो ये हो गया आपके प्लस 2 और ये हो गया आपके 0, मतलब इसका 2 रुपये कौन ले गया, सरोज, बस जो कमा रहे थी संगीता पूरा पता कौन ले गए, सरोज ले गए, मतलब फायदा किसको हो रहा है, केवल सरोज को ही फायदा हो रहा है। तो जो गुडविल का पैसा है वो कौन भुगतेगी, सरोज को देना होगा इसको, संगीता गुडविल का पैसा जो बन रहा है। पहले हम करते हैं भाई इसका हिसाब, जो बैलेंस शीट के अंदर है ना वो सबकी होती है, पुराने पार्टनर की होती है, तो क्या आ जाएगा भाई, सबसे पहला नाम है संगीता, संगीता कैपिटल अकाउंट DR, फिर आ जाएगा आपके सरोज कैपिटल अकाउंट DR, और फिर आ जाएगा आपके शांति कैपिटल अकाउंट DR, और तो क्या आ जाएगा गुडविल, जो बैलेंस शीट के अंदर है उसको ऐसे बांटते हैं, वो देर की है आपके 60,000, अब भाग देंगे तो जाएगा 6 बार, कितना हो जाएगा, 6×2=12, 6×3=18, 6×5=30, ये तो भी बैलेंस शीट के अंदर जो है। अब जो उस टाइम रिटायरमेंट के टाइम गुडविल कितनी है, 90,000 रुपये, तो हम क्या करेंगे उस 90,000 का देखेंगे संगीता का हिस्सा कितना है, 2/10, संगीता का हिस्सा है 2/10, यहां से 2/10 कितना होता है, 8 कितना होता है, 9×2=18,000 रुपये। अब संगीता को मिलेगा 18,000 रुपये, और कौन देगा, इसको फायदा हुआ वो देगा, फायदा किसको हुआ है, सरोज को, तो सरोज को देगी पैसा, तो क्या आ जाएगा, सरोज अकाउंट DR 2 किसके अकाउंट जमा हो जाएगा, संगीता के अकाउंट, तो यहाँ आ जाएगा 2 संगीता अकाउंट, कितना आ जाएगा आपके पूरे 18,000 रुपये, यहाँ पर भी 18,000, यहाँ पर भी, इसका लेना है हमें 2/10, और वो पैसा सरोज के अकाउंट में डेबिट करेंगे
और संगीता अकाउंट में जमा कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इस प्रकार से हम इसको एंट्री करें। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, 3 पार्टनर है, हिमांशु, गगन और नमन। इसमें बैलेंस शीट दे रखी है आपके, और बैलेंस शीट के अंदर और उसमें लिखा हुआ है कौन पर जा रहा है इसमें, नमन। नमन की हो रही है सेवानिवृत्ति, मतलब ये वाला पार्टनर ना व्यापार छोड़कर जा रहा है। अब ये है उनकी संपत्ति, दायित्व के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है कि संपत्ति संपत्ति लिखी हुई है ओनली। और ये बोला है कि लैंड एंड बिल्डिंग 20% बढ़ाना है, प्लांट एंड मशीनरी घटाना है, डेटा पर प्रोविजन लगाना है, स्टॉक का मूल्य ये होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का मूल्य ये होना चाहिए, और हमें क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, और साथ में हमें देना है जनरल एंट्री भी देनी। सिंपल ही है, जो आपके लास्ट चैप्टर थर्ड में था ना, सेम वही है पूरा पूरा। तो हम यहाँ बना लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। सिंपल से ध्यान रखना है, अगर एसेट्स में वृद्धि होती है तो इधर, और एसेट्स में कमी होती है तो बस, इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं। सबसे पहले बात करते हैं केस, तो इसमें आता नहीं, केवल ऐसे फिक्स एसेट्स आती ज्यादा, फिक्स या फिर कोई भी जिसका भी वैल्यू घटता बढ़ता हुआ आता है। लैंड एंड बिल्डिंग क्या देता है, 1,00,000। इसने कहा है कि 20% बढ़ाना है, बढ़ाना तो फायदा हो गया, आपकी इतना रहेगा एसेट बढ़ेगी तो बाई क्या आ जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग कितना बढ़ रहा है, 20%, बस 20% ही लेंगे। तो यह 1,00,000 है, और 1,00,000 का 20% कितना होता है, 20,000 रुपये बढ़ाना है तो 20,000 यहाँ आ जाएगा। और नई बैलेंस शीट में हम लिखेंगे 1,20,000, नई बैलेंस शीट जब बनाएंगे तब लिखेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो। अगला है प्लांट एंड मशीन 40 दे रखा है, और इसने बोला है कि मूल्य आप लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है, तो कम हो जाएगा, 40 का 10% कितना होता है, 4,000 कम हो गया, तो यहाँ पर आएगा 2 प्लांट एंड मशीनरी कितना हो गया भाई, 4,000 रुपये की कमी आ गई। फिर लिखते हैं स्टॉक के बारे में, पहले था 20 और हो गया 18, कमी आ गई, तो कमी आ गई तब यहाँ पर लिखेंगे 2 स्टॉक, कितनी कमी आई, 2,000 की कमी आ गई, कमी है इधर वृद्धि है तो इधर। अगला दे रखा है आपके देनदार का, 20,000 रुपये देनदार है, पर हमें लगाना है इस पर 5% प्रोविजन लगाना है, तो नुकसान हो गया, तो यहाँ पर आएगा आपके 2 प्रोविजन फॉर डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर, दो भी लिखो लिख दो। तो ये है आपके 20,000, 20 का पाँच होता है 1,000 रुपये, 1,000 रुपये हमें कम करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,000 रुपये। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर है 30,000 और यहाँ पर है 35,000, बढ़ गया इन्वेस्टमेंट, बढ़ गया तो आप इधर रहते हैं भाई में, भाई हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम इन्वेस्टमेंट कितना देर का अभी 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। और क्या है इसके अंदर, 2, 3, 5 पॉइंट ही है, और यहाँ पर भी 5 पॉइंट हो गए कंप्लीट। अब क्या करते हैं, अकाउंट को क्लोज करते हैं, इधर कितना हो गया अभी, 7, ज्यादा किधर है, ये ज्यादा है ना, 25,000, ये करेंगे 25, अंतर जो जाएगा वो कहाँ जाएगा भाई, आपके पार्टनर कैपिटल में, ओल्ड पार्टनर में, क्योंकि सब सब एसेट्स में जो भी चीज होती है ना वो सबको होती है, ऐसा नहीं वो चलाएगा उसको नहीं देंगे, सबको देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 हिमांशु, गगन और नमन। अब घटा होता है वो 25 में कितने गए आपके, 7 गए, कितने बचे, 18,000, 18 को बांटेंगे 3, 2, 1 में, टोटल होता है 6, 6 का बटन जाएगा आपके 3 बार, 3 × 9, 3 × 6, 3 × 1, ये बस जनरेट दो, एक एंट्री इसकी और एक एंट्री, 3 एंट्री हो जाएगी। पहले ये लेते हैं, ये बाई में, ये 2 में, तो एंट्री क्या हो जाएगी आपके, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट DR, और दूसरा है आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR, 2 क्या हो जाएगा भाई आपके, रीवैल्यूएशन, 20,000 तो आ गया यहाँ पर, 5,000 आ गया यहाँ पर, और ये हो गया भाई आपके 25,000। फिर आते हैं इसके बारे में, ये बाई में तो ये 2 में, यहाँ तक ही लिखना है, ये अलग है प्रॉफिट, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2, ये 3 नाम, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और प्रोविजन, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर,
कितने दिन का, चार दो एक, तो ये आ जाएगा चार का 2000, 1000 कितना हो गया भाई 7000। अब ये लाभ की एंट्री, तो ये टू में है तो उसमें आपके बाई में, तो हम क्या लिखेंगे वापस से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, एक का नाम है हिमांशु, एक का नाम है गगन और एक का नाम है नमन, कैपिटल ऐसे लगा सकते पीछे, ये देगा 9,6,3, तो यहाँ लिखेंगे 18,000 और यहाँ आ जाएगा 9,000, 6,000 और 3,000। देखो रिवैल्यूएशन सी आर है 25 से, तो डी आर भी किससे है 25 से, कुछ है लॉस में और कुछ आपके उसके अकाउंट में ऐड हो जाएगा, ऐसे हम इसकी एंट्री करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा आपके, नरेश राजकुमार विश्वजीत तीन पार्टनर है और तीनों का लाभ अनुपात दे रखा बराबर का अनुपात दे रखा है, और बैल अब ये इसमें से इन तीनों में से राजकुमार जो है वो व्यापार छोड़कर जा रहा है, तो उसके रिटायरमेंट के टाइम उसके बैलेंस शीट में दो मदे थी, एक तो थी जनरेटर की और एक थी पी एंड एल डेबिट की। देखो जनरेटर हमेशा क्या होता है सी आर होता है, और पी एंड एल सी आर भी हो सकता है और डी आर भी, और इसमें लिखा हुआ भी है कि पी एंड एल डी आर नाम अकाउंट लिखा हुआ है, और नाम मतलब होता है आपके बैलेंस शीट के इधर पक्ष में आया हुआ आप उस साइड में, तो हमें क्या करना है अकाउंट क्लोज करते समय इन दोनों को कैसे दिखाएंगे वो हमें बताना है। तो जो बैलेंस शीट के अंदर होता है वो हमेशा पुरानों का होता है, चाहे कोई जा रहा है चाहे कोई आ रहा है उसको कोई मतलब नहीं, जो बैलेंस शीट के अंदर जो पुराने पार्टनर है जो पहले थे उनका रहेगा, तो ये जो रिजर्व भी है वो इनका ही है और पी एंड एल भी इनका ही है। अब ये होता है हमेशा सी आर और ये होता है डी आर लिखा हुआ, ये ऐसे हमेशा डी आर साइड होता है और ये हमेशा सी आर साइड होता है, तो हटाने लिया करते सी आर को तो करेंगे डी आर और डी आर करेंगे सी आर, ये सी आर होता है तो हटाने के लिए क्या करेंगे वापस हम डी आर करेंगे, यहाँ लिखेंगे जनरेटर अकाउंट डी आर टू नरेश टू राजकुमार कैपिटल और टू विश्वजीत कैपिटल, याद देना एस कैपिटल ऐसे लगा दो, कितने रुपए दे रखे हैं 36,000 रुपए दे रखे हैं, लाभ और अनुपात तीनों का बराबर है तो कितना आ जाएगा बराबर है तो 12,000 12 इधर और 12 इधर, चाहे कोई भी जा रहा हो जो बैलेंस शीट के अंदर है वो पुरानों का है ओल्ड पार्टनर का, ओल्ड 2 है 3 है 10 है सब ओल्ड का होगा। फिर देखो पी एंड एल डी आर लिखा हुआ है तो डी आर साइड को हटाना है तो क्या करते हैं इसको सी आर करते हैं, तो हम करते हैं यहाँ पर उसको सी आर, तो यहाँ आ जाएगा 2 पी एंड एल, कितने रुपए दे रखा भाई आपके 15,000 रुपए जो ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा जिसका नाम है नरेश राजकुमार और विश्वजीत कैपिटल अकाउंट डीआर, सेम लिखना है कैपिटल अकाउंट डीआर कैपिटल अकाउंट डीआर, 15,000 में भाग देंगे हम तीन का कितनी बार जाएगा भाई 5 बार, कितना आएगा 5,000 5,000 और 5,000, जो बैलेंस शीट में उधर है तो सीआर करेंगे, जो इधर है उसको डीआर करेंगे, और जो बैलेंस शीट के अंदर होता है वो हमेशा होता है ओल्ड पार्टनर का होता है, जो होता है वो हमेशा ओल्ड पार्टनर का होता है, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट देंगे, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके देर का है, तीन पार्टनर है दिग्विजय ब्रजेश और क्या नाम है इसका पराक्रम, तीनों का अनुपात है 2:2:1 का अनुपात है, ये दे रखी है उनकी बैलेंस शीट, और ब्रजेश जा रहा है 31 मार्च को, देखो ज्यादातर तो यहाँ पर तारीख जो है 31 मार्च आएगी तो सबसे बेस्ट रहती है, जैसे तारीख चेंज हुई ना तो यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है, तो यहाँ पर कुछ आपको 2 महीने का फिर हर चीज़ 2 महीने की सैलरी 2 महीने का ब्याज हर चीज़ में प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ साल के एंड है ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लगभग बैलेंस शीट आपके बनी भी है 1-2 पॉइंट ही आपको करने होते हैं। इसमें देखो जब वो जा रहा था उस टाइम फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है आपके 70,000 रुपये फर्म की गुडविल है, और देनदारों में आपको करना है कमी 2,000 रुपये की, और जो पेटेंट है उसको 0 करना है, बस ये 2 ही मूल्यांकन है वाले गुडविल का है, बाकी सब चेंज बाकी कुछ भी चेंज नहीं ज्यादा, पहले गुडविल का ही कर लेते। देखो भाई गुडविल का हिस्सा जब वो जा रहा है उस टाइम का है, बैलेंस शीट का नहीं, बैलेंस शीट का होता तो तीनों में बढ़ता, तो पहले हम इसका हिसाब करते हैं, गुडविल कितनी दे रही है भाई आपके 70,000 दे रही है, और 70,000 गुडविल है इसमें देखो भाई इसका हिस्सा कितना है, कौन जा रहा है ब्रजेश जा रहा है, ये वाला जा रहा, अब हिस्सा कितना पहले बताओ
पांच में से दो, तो ये आ जाएगा दो बटा पांच। ये भाग कितना आ जाएगा भाई? 14 आ जाएगा, और 14 इंटू 2 कितना होता है भाई आपके? 28,000। इस 28,000 को हम क्या करेंगे, इन दोनों मान देंगे इस अनुपात में, दो अनुपात एक, कुछ दिया हुआ नहीं है तो पुराना त्याग वही फायदा सब कुछ। हम क्या करेंगे इसको दो अनुपात एक में बांट देंगे। वैसे अगर 27,000 होते ना तो कितना होता? 18,000 और 9,000 आते। ये था ना, अगर 27 होता तो 1,000 रुपये कम हो, 1,000 रुपये का हो जाएगा 667 और 333, वो 1,000 रुपये तो बाद में थोड़ा पॉइंट होगा था, तो ऐसा कर देंगे। तो ये गुडविल जो है आपके, ये दोनों ले जाएंगे। कौन ले जाएगा? दिग्विजय और प्रकाश, क्या पराक्रम, दिग्विजय पराक्रम और जा कौन रहा है? ब्रिजेश। कितना आ जाएगा आपके? 18,667, 9,333 और रुपए कितने आ गए भी आपके? 28,000। इसकी एंट्री कर सकते हो बाद में करेंगे। अब ये दो पॉइंट बचे हुए इनको शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ से कैश। कैश के बारे में तो वैसा है, जा रहा तो वो बाद में जा रहा, उसको हम कैश में नहीं दे रहे पैसे, तो कैश का अकाउंट सेम आएगा। कितना आ जाएगा कैश का अकाउंट आपके? 8,000। अगला पॉइंट है देनदार का, तो हम यहाँ लिखते हैं देनदार। कितना दे रखा है? 19,000। इसने बोला है हमें करना है प्रोविजन, कितना करना है प्रोविजन? 2,000 रुपए। कितना हो जाएगा? 17,000। ये 2,000 का आपको हो गया लॉस, तो वो आएगा आपके रिवैल्यूएशन के 2 में। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं? डेटर, डेटर में कमी, प्रोविजन फॉर डेटर भी लिख सकते हो। कितना दे रखा है आपके? 2,000। उसके बाद आता है स्टॉक के बारे में, स्टॉक के बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं है, स्टॉक ऐसे ही आएगा। और रुपए कितना लिखेंगे हम? 42,000 रुपए। फिर है भाई लैंड एंड बिल्डिंग, वो दे रखा आपके 2,07,000 रुपए। फिर दे रखा पेटेंट, पेटेंट को जीरो करना है, पेटेंट को हटाना है, ये बोला मूल्य रहित करना है, जीरो करना है, 9,000। तो पेटेंट का नुकसान हो गया आपको, तो यहां आ जाएगा 2 पेटेंट, पेटेंट आ जाएगा भी आपके 9,000 रुपए। वहां से उठकर यहाँ आ गया पेटेंट, यहाँ जीरो हो गया। बस ये दो ही एंट्री है भाई रिवॉल्यूशन के। कितना हो गया भी आपके? 11,000। और यहाँ पर भी कर देंगे 11,000। और वो कहाँ जाएगा भाई आपके? ओल्ड पार्टनर, सारे सभी पार्टनर में जाता है, तो यहाँ पर आएगा भाई आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दिग्विजय, ब्रिजेश और पराक्रम। 11 में भाग देंगे 5 का तो जाता है 22,000। अब 22,000 जाएगा कितना आएगा? 22×44, 22×44, 22 से कम, ये हो गया पूरा आपके 11,000। अब आते हैं इधर बैलेंस शीट में, सबसे पहले क्या दे रखा है आपके? क्रेडिटर, क्रेडिटर आपके दे रखा है 49,000। फिर रिजर्व है, रिजर्व यहाँ बटेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर क्या आता है हमेशा? बैलेंस बीडी आता है, जो लिखा हुआ कितना, ये तो है भाई 82,000, 60,000 और दे रखा है 75,000। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिजर्व को बांटेंगे, तो ये होता है आपके जनरल रिजर्व, या जो भी रिजर्व है, मैंने बताया हुआ है कि ये आपके सीआर होता है, तो उसको डीआर कहेंगे, मतलब जनरल अकाउंट डीआर टू एबीसी, तीनों मार देंगे। तो 18,500 बांट देंगे 5 का, तो 5 का भाग दो तो डबल कर दो इसको, 370, ये आएगा 370, और 370 डबल कर दो 7,400 यहाँ पर भी और 7,400 यहाँ पर भी। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये तीनों भी हो गए, बैलेंस खत्म, ये वाला खत्म। अगर गुडविल की एंट्री है बाकी ये गलत है। ये बी तो कहाँ पर है अभी आपके? 2 में। बी तो कहाँ है अभी आपके? ब्रिजेश कैपिटल, तो यहाँ आएगा। और ये दोनों कहाँ पर है अभी आपके? बाई में। तो हम यहाँ लिखते हैं बाई, क्या नाम है भाई? ए का नाम है ये दिग्विजय कैपिटल, और ए का नाम है पराक्रम कैपिटल। देखो इनका नाम लिखा तो पैसा ब्रिजेश में, और ब्रिजेश का नाम लिखा तो पैसा इनके अकाउंट में, तो नाम इनका लिखा तो पैसा कहाँ जाएगा? ब्रिजेश के अकाउंट जाएगा 28,000 रुपए, जिसमें देखो ये 18,667 रुपए और 9,333 रुपए। अब यहां पर हमने लिखा है 2 में, तो यहां पर हम लिखेंगे 2 में। कितना आ जाएगा भाई आपके?
यहाँ बिजनेस का नाम है तो पैसा जाएगा इन दोनों के अकाउंट में। तो ये है 18,667 और 9,333। इसके एंड थोड़ा ऐसे देखना। और क्या है इसके अंदर? पेटेंट सब कुछ हो गया कंप्लीट, कोई पॉइंट ये वाला बाकी है रिवॉल्यूशन का। ये बाई में है, ये कहाँ है अभी आपके टू में, और यहाँ लिखेंगे रिवॉल्यूशन में जो हमें हुआ है लॉस वो लिखेंगे। कितना देर का है? 4,400 और 2,200। अब अकाउंट बंद करना है, सबसे पहले जो जा रहा है उसका अकाउंट बंद करना है। कौन जा रहा है? ब्रिजेश जा रहा है। तो कितने रुपए बन रहे हैं ब्रिजेश के? 62,28 ये 62,28 कितने हो गए भी आपके? ये हो गए 90,000 97,400 रुपये। तो हम यहाँ लेते हैं 97,400 रुपये। और ये जो पैसा है ना उसके लोन अकाउंट में ये जाएगा, कैश में यह जाएगा लोन अकाउंट। 95,000 कितने होते हैं? 60,000 है। ये हो गया 95,000 और 400। अब जो पेमेंट करते हैं ना तो दो चीज में, केस दे रहे हैं तो केस तो, अगर नहीं दे रहे तो समझ लो उससे लोन लिया ऐसे मान लो, तो केस तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे? लोन अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। कहां पर? क्या नाम है इसका? ब्रिजेश लोन अकाउंट। ऐसा मानेंगे कि वो जो पैसा हमारे पास पड़ा है उसको लोन के रूप में मान लेते हैं, बांध चुका करेंगे। तो 95,000 से 4,000 अब ये आपका यहाँ आता है, देखो इधर वाला इधर आएगा, इधर वाला इधर, मैंने पहले बताया था आपको। तो ये आ जाएगा आपके ब्रिजेश का लोन। कितना है ब्रिजेश का लोन? 91,000। अब बाकी अकाउंट क्लोज करेंगे और यहाँ पर आएगा आपके एक तो डीज कैपिटल और एक आएगा बीज कैपिटल। बस ये दो अकाउंट आ जाएंगे आपके। पहले ये लेते हैं 82 और 4 कितने होते हैं? क्या नाम है? पीस कैपिटल। अब देखो 82 साल कितने होते हैं? 89,400। यहाँ पर भी करेंगे। और ये जो जाएगा आपके बैलेंस शीट होगा, क्या होगा भाई बैलेंस शीट? ये घटाना पड़ेगा 18,422,23 का घटाना पड़ेगा। 23 का घटाओ कितना है? 66,333। अब आते हैं यहाँ पर 75 और 3 कितने होते हैं? 78,000 और 82,200। बाकी रह गए 75,500 और 3,700 है। हाँ सब गलत लिखा हुआ है। कितना हो गया अभी आपके? 79,500। और घटाओ ये बार 9,211,500 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 66,600। इसका कितना देगा आपके? 66,333 और ये 67,667। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आता है 2,74,000 इधर की और 2,74,000 इधर की। ये जोड़ बाकी तो आपके हिसाब से कर लेना, नंबर से लिख देना। बाकी जो तरीका है वो ये है, नॉर्मल क्वेश्चन है।